आज हम फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है द फिश टेल। यस, जैसे फेरी टेल्स की कहानियां होती है ना, सेम वैसे ही इसमें हम फिश से जुड़ी हुई, मछलियों से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी पढ़ेंगे। चलिए फिर हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। अच्छा, जब आप मछली के बारे में सोचते हो तो आपके मन में मछली की कौन कौन सी इमेजिन्स आते हैं, पिक्चर्स आती हैं? जैसे देखो यहाँ पे थोड़े बहुत, एक पिक्चर ये है जो एक बच्चे ने बनाई है, एक ये है। आप भी बनाइए, अपनी नोटबुक निकालिए, अपनी स्कूल की नोटबुक निकालिए और उसमें एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए। किसका यूज करके? ट्राइंगल का एंड स्क्वायर का। स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज करके आपको क्या करना है? एक फिश ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में। ये देखो, ये फिश का ग्रुप देखो और इनसे थोड़ी सी हेल्प लो कि आप स्क्वायर से और ट्राइंगल से, स्क्वायर मीन्स वर्ग से और ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज से, कैसे हेल्प लेकर अपनी फिश कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अपनी नोटबुक में ड्रॉ क्लियर करना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो, स्क्वायर मैंने बनाया और ये मैंने ट्रायंगल बनाया, फिश तो बन गई। ये देखो कितनी सुंदर है ना मेरी फिश। आप भी बहुत सुंदर फिश बनाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपने फिश को और कहीं देखा है? हाँ, ड्रेस की डिजाइन में, मम्मी के पल्ले पे देखा है ना, साड़ी में। फिश के बहुत सारे पैटर्न्स हमारे आसपास भी होते हैं। चलिए अब इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें बोला हुआ कि आपको पता है कि सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट फिश कितनी लंबी होती है? हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट फिश जो होती है ना, वो ओनली 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर लंबी। आपने अपना स्केल देखा है? स्केल जो आपके पास, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है ना, जिसमें कुछ लाइनें होती हैं, उसमें आप 1 सेंटीमीटर देखना कितना छोटा है। मतलब जो सबसे छोटी मछली होती है वो हमारी 1 सेंटीमीटर की होती है। अच्छा, तो सोचो फिर बड़ी वाली जो लॉन्गर मछली होती है, जो सबसे बिग मछली होती है, बिग फिश होती है, वो कितनी बड़ी होती होगी? सोचा है कभी? अच्छा, बिग मछली का देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है ना, व्हेल शार्क। सबसे जो बड़ी मछली है ना, उसका नाम है व्हेल शार्क। और वो पता है कितनी बड़ी है? वो बहुत बड़ी है, बहुत। वो जो शार्क है वो 18 मीटर लंबी है। 18 मीटर की बात हुई है यहाँ पे, सेंटीमीटर की नहीं, समझे? और उसका वजन तो देखो कितना है, उसका वेट कितना है, 16,000 किलोग्राम। कितनी भारी है वो मछली। अच्छा, आपका वेट कितना है? आपका वजन बताओ कितना है? मेरा तो 50 है। और आपका? 35। यस, आपका 35 है। तो सोचो शार्क कितनी भारी है और कितनी वजनदार है ना। अब ये देखो, ये है एक एड है। जो मछलियां होती है ना, उनकी बहुत ही अलग अलग डिजाइन की टेल्स होती हैं। ये देखो, ये पूंछ है, टेल। ये फेरी टेल वाला टेल नहीं है, ये पूंछ वाला टेल है, ठीक है? इसमें देखो, इसकी पूंछ कितनी अलग दिख रही है, इसकी पूंछ कितनी अलग दिख रही है, इसकी कितनी अलग दिख रही है। ये दोनों तो शार्क ही है। इसमें बोला हुआ है कि आपको इस 3 फिशेज में से आपको पहचानना है कि शार्क कौन सी नहीं है। तो आप देखकर बता सकते हो कि ये वाली शार्क नहीं है। यस, चलो अब आपने अपने स्कूल के बारे में तो सुना है ना, अब हम स्कूल फिश के बारे में सुनेंगे। ये देखो, ये बच्चों का स्कूल है। पता है, मछलियाँ ग्रुप में रहना बहुत पसंद करती हैं। वो ग्रुप में रहकर ना अपने आप को सेफ फील करती है, सुरक्षित महसूस करती है। क्या आप भी अपने स्कूल में सेफ फील करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। यस, हाँ, हम सब फील करते हैं सुरक्षित, सेफ, है ना? अब ये देखो, ये क्या है? ये मछली ने क्या किया? ये छोटी मछली ने बड़ी मछली से बचने के लिए अपने पेट में पानी भर लिया है बहुत सारा। और दिखने में कैसी लग रही है? बड़ी सी।
ताकि बड़ी मछलियां इनको ना खाएं। इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा, आपने बहुत सारे जानवरों के बारे में तो सुना होगा ना, एनिमल्स नेम डॉग कैट रैट बैट मैट सॉरी, ये सारे एनिमल्स के बारे में आपने सुना होगा ना, एलिफेंट लायन, ये सारे क्या है, एनिमल्स हैं जो लैंड पर रहते हैं, धरती पे रहते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो सारे एनिमल्स लैंड पे ही रहते होंगे। कुछ एनिमल्स देखो, जैसे ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे कहाँ रहते हैं, ये सब समुद्र के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। समुद्री आर्चिन, शी आर्चिन, लैबस्टर, लाल स्पैनर, रेड स्पैनर, इल, ये सारी की सारी देखो, कितनी सारी, इसमें से कितने तो आपने देखे भी नहीं होंगे, है ना। ऑक्टोपस देखो, फिश देखो, प्रॉन देखो, जेलीफिश देखो, ये सारी की सारी जो एनिमल्स है ना, ये कहाँ रहते हैं, ये पानी के अंदर रहते हैं, है ना। इसमें से आपने बहुत सारे फिशेस को देखा है और बहुत सारों को तो देखा भी नहीं है, तो आप पहचानो अपनी बुक में देखकर कि कौन कौन से फिश को आप जानते हो और किस किस को नहीं जानते, ठीक है। और इनके नाम जरूर लिखना अपनी नोटबुक में, हेडिंग बनाकर, सी एनिमल्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुमने ये तो सोचा ही होगा ना कि फिशर्स को मार्केट में बेचा भी जाता है, तो उनको पकड़ के कौन लाता है, फिशरमैन। यस, फिशरमैन अपनी बोट की हेल्प से, नाव की मदद से फिशेस को, बहुत सारी फिशेस को अपने साथ लेकर आते हैं। कहाँ से लाते हैं, अपनी आईज क्लोज करो और सोचो कि जो समुद्र का वेव है वो कितना ऊंचा उठ सकता है और वो दिखने में कैसा होगा। जाओ जाओ, चलो समुद्र पर चलते हैं, सोचते हैं अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में जाके कि समुद्र कैसा दिखने में होता है, वहां मछलियां मछुआरे कैसे पकड़ते हैं, अपनी इमेजिन में आपने देखा ना। हमें तो बहुत अच्छा लगा इस ट्रिप पे जाके कि हमने मछुआरों को सोचा, समुद्र को सोचा और उनको, उनसे पकड़ी हुई मछलियों के बारे में भी सोचा। हाँ, यहाँ देखो कुछ मछुआरे दिख रहे हैं ना, जो अपनी नाव में, बोट में कहाँ है, समुद्र के अंदर क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। चल अब यहाँ देखो, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके आंसर आपको देनी है। वैसे आपको पता है जो लकड़ी की नाव होती है ना, जैसे ये देखो, ये बच्चा खड़ा है ना लकड़ी की नाव पे, ये लकड़ी की नाव जो है ये ज्यादा दूर नहीं जा पाती समुद्र में, बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं जा पाती। कितना ट्रेवल करती है ये 4 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 1 किलोमीटर जाती है, 1 किलोमीटर जाती है कितनी देर में, 4 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, ठीक है। फोर किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब लकड़ी की नाव 4 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो आप बताओ कि वो 10 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी, सोचो जल्दी जल्दी सोचो। और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व भी जरूर करना मेरे समझाने के बाद, ठीक है। देखो, अब 4 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है, तो 2 आवर्स में कितने किलोमीटर जाएगी, इसका डबल ही तो जाएगी, कितना जाएगी, 8 किलोमीटर, वेरी गुड। अब हमें तो कितना जाना है, 10 किलोमीटर, इसका मतलब 2 किलोमीटर और जाना है। अच्छा देखो, 4 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है, तो फिर आधे घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, आधे घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 2 किलोमीटर, वेरी गुड। तो हमें मिल गया आंसर, 10 किलोमीटर बराबर 2.5, कितना हो गया, 2.5, 2.5 घंटे में ट्रेवल कर पाएगी, कितने घंटे में, 2.5, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसको समझ लीजिए कि अगर 1 किलोमीटर अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है, तो आधे घंटे में 2 किलोमीटर जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको खुद ही गैस करना है कि आप कितनी लंबी वॉक चल सकते हो 1 घंटे में, ठीक है। अब देखो, फिशरमैन कितने इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो अपना रास्ता समुद्र में खुद ही बनाते हैं,
हम लोग तो भूल जाएंगे क्योंकि वहां तो सड़कें होती ही नहीं है। लेकिन फिशरमैन जो होते हैं ना, मछुआरे जो होते हैं, वो सन को देखकर, सूरज को देखकर अपनी रास्ते का अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, अब वो इतने इंटेलिजेंट है तो हम भी तो इंटेलिजेंट है ना। तो जरा जल्दी 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 बताओ अपने आसपास देख के कि आप जहाँ पर हैं, आपके ईस्ट में, पूर्व में कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे पूर्व से सूरज निकलता है ना, ईस्ट से राइज होता है सूरज। तो वो ही आपको बताना है कि आपके पूर्व में अभी क्या क्या है। ठीक है, ऐसे ही आपको वेस्ट में भी देख के बताना है कि वेस्ट में क्या क्या है। ईस्ट और वेस्ट आपको पता है ना। जैसे सूरज जो होता है वो कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। यहाँ से सूरज निकलता है और वेस्ट में जाके क्या होता है? ढल जाता है। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर की साइड। और साउथ कहाँ होता है? नीचे की साइड। ये क्या है? हमारी डायरेक्शंस, दिशाएं। हाँ, तो ये आपको तो पता ही होगा, थर्ड क्लास में आपको बताया था आपकी साइंस की मैम ने, आसपास वाली मैम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जो मछुआरे होते हैं वो फिश को कैसे कैच करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, ये हम जानेंगे कि किसने कितनी मछलियां पकड़ी। समुद्र के अंदर मछुआरे जो होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर तक जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, और वेट भी करते हैं वहां पे कि फिश कब आएगी और उनके नेट में, मछली के जो जाले में होती है, कब फंसेगी। वो वेट करते रहते हैं। और आपको पता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बोट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की नाव होती है मछलियों को पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि लकड़ी की नाव तो ज्यादा दूर नहीं जाती ना, और अगर हमें ज्यादा फिश चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, किस बोट का यूज करना पड़ेगा। तो किस बोट का यूज करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर देखो कितनी सारी नाव को दिखाया और बताया हुआ है। यहाँ पर पता है मोटर बोट भी होती है। मोटर बोट वो बोट होती है जिसमें मोटर लगी होती है, जिसमें हमें अपने हाथों से नहीं चला चला के, लकड़ी की नाव को तो हाथ से चलाना पड़ता है ना। हाँ, तो मोटर बोट को हाथ से नहीं चलाना पड़ता, वो एक बार स्टार्ट कर दो अपने आप ही थोड़ी दूर तक तो चल ही लेती है, जैसे आप लोगों की बाइक वैसे। समझे आप सभी? तो देखो, मोटर बोट तो ज्यादा दूर जा रही है। कितना दूर जा रही है? वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर जा रही है? 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। कितनी जल्दी चली जा रही है ना, ये स्पीड उसकी देखो। अब मुझे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। यहाँ पे बोल रहा है कि जो मोटर बोट है वो 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स में कितना किलोमीटर जा पाएगी? खुद बताओ, सोचो 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 सोचो। हाँ, जो हमारी मोटर बोट है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? 40। 3 घंटे में कितना जाएगी? 3 घंटे में कितना जाएगी? 60। 60, वेरी गुड। अच्छा, अगर 1 घंटे में 20 जा रही है तो आधे घंटे में कितना जाएगी? आधे घंटे में तो 10 जाएगी ना, 10 किलोमीटर। आधे घंटे में 10 किलोमीटर जाएगी, तो आपको 3 आवर्स और हाफ एन आवर भी तो चाहिए ना। 3.5 आवर बोला हुआ है, तो 3 और हाफ मिलके 3.5 हो गए, तो 3.5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी? 3.5 घंटे में 60 प्लस 10 70, 70 70 70 किलोमीटर जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला हुआ है कि 85 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम? 85 किलोमीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो बताओ उसको 85 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर 1 किलोमीटर वो 20 किलो, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है, 3 घंटे में वो 60 जा रही है, 60 जा रही है ना, हमें तो 80 जाना है। तो 80 के लिए क्या करेंगे हम? 4 को देखेंगे कि 4 घंटे में वो, 4 घंटे में वो 80 जा रही है, 4 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है। लेकिन यहाँ तो 85 है ना, तो 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी?
अब यहाँ पर आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, इधर देखो, इसको छोटा डिजिट्स में चेंज करना है। जैसे 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में 20 जा रही है, आधे घंटे में वो 10 जाएगी, तो जो इसका और भी 15 मिनट है, ये तो आधा घंटा है ना। जैसे आपकी ये क्लॉक है, पूरा एक राउंड लगाती है तब वो 20 किलोमीटर जाती है, जब वो आधा चलती है तो 10 किलोमीटर जाती है, तो जब वो इसका भी आधा चलेगी, मतलब 15 मिनट और चलेगी, तो कितना किलोमीटर तय करेगी? 5 किलोमीटर। इसका मतलब 15 मिनट इसमें हम ऐड करेंगे, 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे 15 मिनट में वो कितना ट्रेवल कर लेगी? 85 किलोमीटर। वेरी गुड, आप सब भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। वेरी गुड, चलिए अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए इसे। चलिए यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं मोटर बोट की। ये देखो, इसकी नाव में कितनी सारी फिशेस है ना, ये मोटर बोट लगी हुई है, इनमें देखो कितनी सारी फिशेस आ जाती हैं। लेकिन आपको पता है, अब आप इतना सारा फिश एक बार में निकाल लोगे और डेली डेली निकालोगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम होगी? देखो ये मछुआरे बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं ना, ये बेचारे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही हर बार लेते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? हमारी तो समुद्री जीवों को प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पुराने जमाने के मछुआरे थे ना, वो स्मॉल बेबी फिश को क्या करते थे? छोड़ देते थे। वो अपने जाले को, जिसमें वो मछली पकड़ते थे, उनका छेद इतना बड़ा रखते थे कि उसमें सिर्फ बड़ी मछली आए, बेबी फिश नहीं। लेकिन जो हमारे मोटर बोट वाले हैं, वो तो बिल्कुल ही सोचते नहीं है इस बारे में, वो तो सिर्फ अपने भले के बारे में सोचते हैं, और हमारे फिश को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस जाले में छोटी छोटी मछलियां भी आ जाती हैं। जिससे क्या होता है, खतरा पैदा हो जाता है। किसको? मछलियों को। तो मुझे ये बताओ, एक रिपोर्ट आपको बनानी है, लेकिन आप मुझे अभी बताओ कि नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते बढ़ते हुए खतरे के बारे में बताना है आपको। मछलियों के ऊपर बढ़ते हुए खतरे के बारे में सोचा है कभी? अगर मछलियां खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा? वही चीज आपको सोचनी है, और सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस नाव में कितनी मछलियां आ सकती हैं? विच बोट गेट्स हाउ मच, कि कौन सी नाव कितनी मछलियां ला सकती हैं? अब जैसा आपने देखा कि जो लकड़ी की नाव थी वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, जो मोटर बोट थी वो ज्यादा दूर जा सकती थी कम टाइम में। ऐसे ही कुछ यहाँ पे आपको लिस्ट दिए हुए हैं कि जो लॉन्ग बोट होती है, लॉग बोट जो लकड़ी की नाव होती है वो कितना किलोमीटर तय करेगी, जो लॉन्ग टेल बोट होती है, लंबी पूंछ की नाव होती है, वो कितना किलोमीटर तय करेगी, जो मोटर बोट होती है वो कितना किलोमीटर तय करेगी, और जो मशीन बोट होती है वो कितना किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पर देखो, अलग अलग तरीके से दिया दिया हुआ है आपको कि वो एक ट्रिप में कितनी फिशेस को पकड़ सकती हैं। 20 किलो, जो लकड़ी की नाव है वो 20 किलो मछली पकड़ सकती है, जो लंबी पूंछ वाली बोट है वो 600 पकड़ सकती है, 600 किलोग्राम, मोटर बोट 800 किलोग्राम, और जो मशीन वाली बोट है वो 6,000। यहाँ पे देखो उनकी स्पीड भी दी हुई है कि वो 1 घंटे में कितना दूर जाते हैं, 1 आवर में 4 किलोमीटर, 1 आवर में 12 किलोमीटर, 1 आवर में 20 किलोमीटर, 1 आवर में 22 किलोमीटर। दिखा है ना कि 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन देखो, हर एक नाव, मतलब ये जो सारी नाव दिख रही है ना, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, ये सारी की सारी, ईच टाइप ऑफ बोट 7 ट्रिप में कितना उठाएगी? 7 ट्रिप मतलब जब 7 चक्कर लगाएगी तो वो कितना किलो मछली लेकर आएगी? तो
तो इन सारे के सारों को एक एक करके 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ट्रिप में तो वो 20 kg ला रही है, तो 7 ट्रिप में कितना लाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। करो फटाफट मल्टीप्लाई, आपको गुणा करने आता है ना, फोर्थ क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुणा कैसे की जाती है। अगर हम 7 को 20 से करेंगे तो हमारा 140 किलोग्राम आएगा, 140 kg। और जब हम 600 को 7 से करेंगे तो हमारा 4200 किलोग्राम। और जब हम 800 को करेंगे तो 5600 kg। एंड जब 6000 को करेंगे तो 42,000 kg। देखो, एक बार में अगर लॉग बोट लकड़ी की नाव 140 ला रही है, तो ये देखो उसका कितना दुगना ला रही है ना। तभी तो पता चलता है इन सबको देखकर कि समुद्र पर बढ़ रहे खतरे के बारे में आपको एक रिपोर्ट कैसे बनानी है। आप इस जो ये डाटा दिए हुए ना, इन डाटा का भी यूज कर सकते हो। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। जो मोटर बोट है, ये वाली जो मोटर बोट है, वो 6 घंटे में कितना किलोमीटर चल देगी। अगर वो 1 घंटे में 20 चल रही है तो 6 घंटे में कितना चलेगी, सोचो। अगर वो 1 घंटे में 20 चल रही है तो 6 घंटे में कितना चलेगी, तो हम 20 को 6 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी, 120 किलोमीटर। वेरी गुड, आप तो बहुत समझदार हैं, जल्दी जल्दी सीख जाते हैं सब कुछ। अब देखिए हमारा सी पार्ट है, ये बोल रहा है कि जो लॉन्ग टेल वाली बोट है वो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी, 60 किलोमीटर। तो अब आप ये बताओ कि जो हमारी लॉन्ग बोट वाली नाव है वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है, 1 घंटे में कितना जा रही है, 12। अगर वो 1 घंटे में 12 जा रही है तो 60 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितने घंटे लगेंगे। यहाँ पे बोला है 60 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितने आवर्स चाहिए। अब हमें तो पता ही नहीं है कितने चाहिए, तो जब वो 1 12 में ट्रेवल कर रही है तो उसको 60 ट्रेवल करने के लिए 12 से भाग कर देंगे। आपको भाग भी आता है ना, मैंने बताया था भाग कैसे करते हैं, बताइए और करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा जब हम इसको भाग करेंगे ऐसे, 60 अंदर रखेंगे और 12 बाहर रखेंगे, 12 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ें कि 60 आए। 12 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 5 पे। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया कि अगर नाव जो है वो 5 घंटे चलेगी, कितना 5 घंटे चलेगी, तो वो 60 किलोमीटर पहुंच जाएगी। आया समझ में। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये देखो नेक्स्ट आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, सम विद सम नंबर्स। अब ये नंबर्स की बात हो रही है तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फोर्थ क्लास की वो जो बुक थी ना, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 1, 10, 100, ये थोड़ा उसी से रिलेटेड है, तो मैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा समझाऊंगी। अभी हम चलते हैं फिश के पास, फिश मार्केट में। अच्छा, आप लोग क्या कभी बाजार गए हो, फिश वाले बाजार जहाँ पे फिश बिकती है बहुत सारी, कहते हैं ना मछली मार्केट। मछली मार्केट में इतना सारा नॉइस क्यों होता है, शोरगुल क्यों होता है, बताओ। क्योंकि वहां पर सब के सब फिश बेच रहे होते हैं,
फिश ले लो करते हैं ना सारे। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं है ये, नाम है ये इनके, मुझे लगा ये आप ही की तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे नहीं है, ये तो बड़े बड़े बच्चे हैं। इन्हें फिशर वुमेन कहते हैं। ये फिशर वुमेन के नाम है मिनी, ग्रेसी, फ्लोरमा, करुथमा। ये चार औरतें फिशर वुमेन मिलकर फिश को बेच रही हैं और इनकी फिश जो है वो बहुत ही अलग अलग रेट में है। जैसे इनकी मिनी की सार्डिन मछली 40 रुपए की है, 40 रुपए किलो, और ग्रेसी की जो स्वार्ट फिश है वो कितनी है, वो 60 रुपए किलो है, और इनकी जो प्रॉन है, झींगा मछली है, वो कितने की है, 150 रुपए किलो, और इसकी जो स्क्विड है, स्क्विड वो कितनी है, 50 रुपए किलो। देखो सबका प्राइस अलग अलग है ना, 40, 60, 150, 50, है ना अलग अलग। तो यहाँ पे उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है मेरे साथ। ये देखो कितनी सारी फिशेज है ना, यहाँ पे कस्टमर आया और कस्टमर क्या कर रहा है, मछली खरीद रहा है, उसकी खरीदारी में थोड़ी मदद कर दो ना, चलो मदद करते हैं उसकी। यहाँ पे बोला हुआ है कि जो फाजिला थी उसने, ये री फाजिला, ये दिख रही है आपको ये महिला, इन्होंने ये देखो, ये फाजिला है, इन्होंने देखो कितनी बड़ी मछली पकड़ी हुई है ना, जो कितने किलो की है, 8 किलो की है, और वो कितने में बेचना चाहती है, पूरी की पूरी मछली 1200 रुपए में बेचेंगी वो मछली, उनको तो इतनी बड़ी मछली मिल गई। अब वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि अगर मैं इसको काट काट कर 1-1 किलो में बेचूंगी तो मैं कितने में बेचूंगी। 1 किलो का वेट पूछा है ना यहाँ पे, प्राइस पर केजी कि 1 किलो का कितना प्राइस होगा। तो अच्छा एक बात बताओ, जब 8 किलो का 1200 है तो 1 किलो का कैसे होगा, वही आपको 8 से डिवाइड कर देना है 1200 को, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150 रुपए, कि 1 किलो मछली आपको 150 रुपए की पड़ेगी। और जब हम ऐसे ही करेक्ट करते रहेंगे और जब हम देखेंगे कि 150 के 8 हिस्सों को हम जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, 150 के 8 हिस्सों को जोड़ेंगे, जैसे 150 का एक हिस्सा 150, 150 का दूसरा हिस्सा 300, 150 का चौथा पांचवा, ऐसे करते करते हम जब 8 हिस्सों तक पहुंचेंगे तो 1200 होंगे। चाहे तो आप 150 को 8 से गुणा कर देख सकते हो, साइड में हमारा आंसर वही आएगा। करो मल्टीप्लाई, आता है ना आपको, कैरी भी लगाओ, देखो आया ना हमारा आंसर, कि जो 150 के 8 हिस्से थे अगर हमने उनको जोड़ा तो हमारा 1200 आंसर आया। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, जो फ्लोरमा थी उसने क्या करा, 10 किलो झींगा मछली बेच चुकी है वो, 10 किलो झींगा मछली बेच चुकी है वो एक ही दिन में, टुडे एक ही दिन में उसने 10 किलो बेच दी, तो हाउ मच मनी, उसने कितना मनी गेट किया बताओ, झींगा मछली उसने बेच दी 10 किलो। अगर 1 किलो जो मछली थी, झींगा मछली का रेट क्या था, झींगा मछली 1 किलो 150 रुपए की थी, कितने की थी, झींगा मछली का प्राइस कितना था, 150 रुपए। तो ऐसे ही 2 किलो का कितना हुआ, 300, 4 किलो का कितना हुआ, 5 किलो का कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर करके, रेपिटेटिव ऐड करके हम 10 kg तक पहुंचेंगे। अब 10 kg तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, 150 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे 10 kg का मनी आ जाएगा, कि हमने कितना मनी पाया, उसने 1500 रुपए पाया, 1500 रुपए मनी पाया एक दिन में, झींगा मछली बेचकर, प्रॉन मछली बेचकर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्रेसी जो थी
उसने 6 किलोग्राम स्वार्डन फिश जो थी वो बेच दी। तो ग्रेसी ने जितने पैसे कमाए हैं, ग्रेसी को जितने पैसे मिले हैं वो मिनी के जितने हैं। मिनी ने भी सेम पैसे कमाए हैं, ग्रेसी और मिनी ने सेम पैसे कमाए हैं, लेकिन ग्रेसी ने 6 किलोग्राम मछली बेची है तब। तो अब ये देखो, ग्रेसी की जो मछली का पैसा था, ऊपर देखो कितना है ग्रेसी के मछली का पैसा, 60 रुपए। कितना है? 60 रुपए किलो। और उसने कितना मछली बेचा? 6। तो कितना टोटल उसने पैसा कमाया बताओ? 360। उसने 360 रुपए कमाया, और जितना रुपए ग्रेसी ने कमाया है उतना ही मिनी ने कमाया है। तो मिनी ने भी कितना कमाया? मिनी ने भी हमारी 360 कमाया, लेकिन उसकी मछली का तो प्राइस अलग था ना। उसकी मछली कितने किलो की थी? उसकी मछली 40 रुपए किलो वाली है। उसकी मछली 40 रुपए किलो वाली है। उसकी मछली 40 रुपए किलो वाली है। तो आप ये देखो कि वो 40 रुपए किलो वाली जो मछली है उसने कितने में बेची? 360 में। तो अब मुझे ये बताओ कि वो फिर कितनी मछली बेची होगी तो उसको 360 मिला, बताओ जल्दी, करो सॉल्व। जब मिनी की मछली 40 रुपए किलो थी तो उसने ऐसी कितनी बार मछलियां बेची जो उसको 360 मिले, बताओ मुझे। तो इसका मतलब हमें 360 को 40 से डिवाइड करना होगा। जब हम 40 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा कि उसने 9 किलो मछली बेची और उसको 360 मिले, और हमारी ग्रेसी ने 6 किलो मछली बेची तो उसको 360 मिले। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बशीर व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपए हैं और वो क्या खरीदने गया है? मछली खरीदने गया है। वो मछली खरीदने गया है मार्केट में। अब वो जो है वो स्वीडन खरीदना चाहता है, स्वीडन 1/4। उसके पास 100 रुपीज है पहले तो, ठीक है। उसने क्या बोला कि वो स्क्विड खरीदना चाहता है, 1/4 पैसा खर्च करना चाहता है स्क्विड पे और अनदर 1/4 प्रॉन पे, जितना भी बचा हुआ है। तो 1/4 है, 100 का 1/4 कितना होगा? 100 है हमारा पूरा। अब 100 का 1/4 कितना होता है? 100 को 4 भागों में बांटना है, तो 100 का हाफ होता है 50। 100 का हाफ कितना होता है? 50। और उस 50 का भी हाफ कितना होता है बताओ? उस 100 का भी हाफ कितना होता है? 50 का भी हाफ कितना होता है? 25। यस, तो हमने 100 को 1/4 में बांटा तो हमारा एक हिस्सा 25 आया, 25 आया। अगर 100 में से 25 रुपए वो स्क्विड पे खर्च करना चाहता है और अनादर जो 1/3/4 है, मतलब बाकी जो हिस्सा बचा है, 100 में से अगर हमारा 25 गया तो बाकी हिस्सा कितना बचा हमारा? माइनस करके बताओ, 75 रुपए। यस, बाकी जो हिस्सा बचा 75 रुपए वो किस पे खर्च करना चाहता है? वो प्रॉन पे, झींगा मछली पे खर्च करना चाहता है। तो अब आप स्क्विड का रेट बताओ कितना है। स्क्विड जो है वो कितने रुपए किलो है? 50 रुपए। तो जब वो 50 रुपए किलो है, जब वो स्क्विड 50 रुपए किलो और वो 25 रुपए का ले रहा है, तो वो कितनी मछली लेगा स्क्विड की? यहाँ पे बोला है ना, हाउ मेनी किलोग्राम स्क्विड डिड ही बाय। अगर स्क्विड 50 रुपए किलो है और उसने 25 रुपए की मछली खरीदी है, तो उसने आधी किलो मछली खरीदी है, आधी किलो मछली खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्रॉन डिड ही बाय। प्रॉन मछली का रेट कितना है? 150 रुपए किलो। झींगा मछली 150 रुपए किलो है और उसने कितने की खरीदी? 75, उसके हाफ की। तो ये भी हमारा हाफ केजी आया, उसने प्रॉन भी हाफ केजी खरीदा। समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब आप लोगों के लिए ये एक होमवर्क है कि आपको इसको, इन सारे क्वेश्चंस को समझना है और इनको अपनी समझदारी के अकॉर्डिंग बड़ों की थोड़ी हेल्प लेना, क्योंकि अभी तो आपके स्कूल्स ओपन नहीं है,
लेकिन हाँ, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स पर किसी भी तरीके से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हमें ये समझा दीजिए। वैसे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में जरूर आया होगा और आप सभी इसको धीरे धीरे कर कर सीख जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी तो कुछ कुछ सीखा ही है ना। तो आगे के चैप्टर को मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगी। आज के लिए इतना ही आपको काफी है। चलिए, लेकिन हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। शेयर भी करना अपने ही जैसे दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये चैप्टर समझने में और पढ़ने में हेल्प हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय।